नमस्ते भाई लोग, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं मोटो G73 का एक कैमरा रिव्यू। मैंने मोटो G73 से बहुत सारे फोटोज कैप्चर किए हैं डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में। तो आज इस वीडियो में सारे फोटोज और वीडियोस को चेकआउट करके देखते हैं कैसा है इसका फोटो और वीडियो क्वालिटी, और क्या आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए गुड कैमरा फोन अंडर 20,000 रुपीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसके कैमरा स्पेसिफिकेशन। जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज 3-4 कैमरास दे रहे हैं लेकिन उनमें से एक ही मेन सेंसर, बाकी डेप्थ और मैक्रो सेंसर दे रहे हैं, वहाँ पे मोटोरोला यहाँ पे सिर्फ डुअल कैमरा दे रहा है विथ क्वाड फंक्शन। यहाँ पे पीछे में जो दो कैमरा देखने को मिलता है उसमें से मेन सेंसर है वो है 50 मेगापिक्सल का विथ f1.8 एपर्चर। 2 माइक्रोन का पिक्सल साइज यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी लाइट गैदर करने में हेल्प करता है, तो लो लाइट में अच्छा फोटोग्राफी होना चाहिए। साथ ही में एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है जिनमें से 3 काम होता है, जो कि 8 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ आता है। यहाँ पे आप लोगों को ऑटो फोकस मिलता है, नॉर्मली अल्ट्रा वाइड फोटोज कैप्चर कर सकते हो, साथ ही में यहाँ पे मैक्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हो और इसी के साथ में डेप्थ सेंसर का भी काम करता है। फ्रंट में सिंगल 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिलता है विथ f2.4 एपर्चर। तो ये था कैमरा स्पेसिफिकेशन जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। चलिए आप देख लेते हैं इसके फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी। नॉर्मल डे लाइट में फोटो क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कैसा है। इनिशियल इंप्रेशन देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। कलर्स मैंने देखा है टूवर्ड्स नेचुरल कलर रखने की कोशिश किया गया है, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड करने की कोशिश नहीं किया गया। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे हाईलाइट और शेडो एरियाज़ में काफ़ी अच्छा बैलेंस रखने की कोशिश किया गया है। देख सकते हो ये एरिया जो है डार्क है पूरा, फिर भी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स दिख रहे हैं। देख सकते हो ग्रानाइट है इसलिए देख सकते हो यहाँ पे जो शेडो है, जो मिररिंग है, इमेज है, वो यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो और वो पूरा क्रश नहीं किया गया है शेडो को। साथ ही में देख सकते हो जो ट्री के कलर्स है, ट्री के कलर्स भी टुवर्ड नेचुरल कलर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड नहीं है। और फोटो में डिटेल्स देख सकते हो ओवरऑल कुछ इस तरह का है। डे लाइट वाला एक और फोटो है, देख सकते हो कितना अच्छा कलर के साथ आया है। ओवरऑल देख सकते हो कलर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, टुवर्ड्स एकदम नेचुरल कलर दिख रहा है फोटो। और यहाँ पे देख सकते हो फोटो में डिटेलिंग कितना अच्छा है। जूम करने के बाद भी देख सकते हो डिटेल्स काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं फोटो में, तो ओवरऑल फोटो क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे के फोटो देखो कुछ इस तरह का है। देख सकते हो कलर शिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा कलर शिफ्ट नहीं हो रहा है, देख सकते हो थोड़ा सा डार्क हो गया है खाली, बाकी ओवरऑल देख सकते हो कलर बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा है। फील्ड ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है और फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज होने के बाद भी देख सकते हो डिटेल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। हालांकि नॉट एज गुड एज मेन प्राइमरी सेंसर, फिर भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा डिटेल्स है। जूम करने के बाद भी फोटो में डिटेलिंग देख सकते हो। साइड बाय साइड यहाँ पे अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल कैमरे का फोटोज़ देखो तो आइडिया हो पाएगा तो यहाँ पे कितना वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा नॉर्मल कैमरे से। कुछ और फोटोज़ है मैं साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ, साथ ही में थोड़ा बहुत जूम करके भी दिखाऊंगा। ओवरऑल फोटो क्वालिटी देख सकते हो कैसा है। ये एक और फोटो है, देख सकते हो हाईलाइट और शेडोज का काफी अच्छा बैलेंस बनाया गया है। नीचे देख सकते हो ये वाला एरिया शेडो एरिया में था तो बहुत कुछ डार्क नहीं किया है, और ऊपर वाला एरिया जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा हाईलाइट को ओवर एक्सपोज नहीं किया है। देख सकते हो फोटो में काफी अच्छा बैलेंस ओवरऑल बनाया है और फोटो में डिटेलिंग भी देख सकते हो कैसा लग रहा है। एक बार और अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा देखो, ये देख सकते हो अल्ट्रा वाइड एंगल के कैमरे से खींचा गया फोटो है और ये फोटो है नॉर्मल लेंस से, तो देख सकते हो अल्ट्रा वाइड में कितना ज़्यादा यहाँ पे वाइड फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर हो सकता है। और साथ ही में देख सकते हो बहुत ज़्यादा कलर शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डार्कनेस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अपर्चर कम है इसलिए फोटो में थोड़ा सा डार्कनेस आ रहा है, लेकिन कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। और कॉर्नर्स भी देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लरी इमेज है, कॉर्नर्स उतने ज़्यादा शार्प नहीं है। मैं कुछ साइड बाय साइड वाइड और अल्ट्रा वाइड एंगल के फोटो लगा रहा हूँ, आप लोग खुद देख के जज कर सकते हो ओवरऑल कैसा क्वालिटी है दोनों का। साथ ही में कलर कॉन्ट्रास्ट देख सकते हो कैसे चेंज हो रहा है और कितना वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है। एक और काफी अच्छा फोटो है, नॉर्मल लेंस से कैप्चर किया गया और डिटेलिंग देख सकते हो कितना अच्छा डिटेलिंग के साथ फोटो आया है। ओवरऑल फोटो में देख सकते हो काफ़ी अच्छे डिटेल्स यहाँ पे बन के आए हैं,
शेडोज़ और हाइलाइट्स में काफ़ी अच्छा बैलेंस है, मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी अच्छा बैलेंस रहता है, यानी कि HDR फोटो काफ़ी अच्छे से कैप्चर करता है, लेकिन कभी कभी डायनेमिक रेंज जो है थोड़ा मार खा जाता है, क्योंकि शेडो एरिया को एक्सपोज करते टाइम हाइलाइट्स ओवर एक्सपोज हो जाते हैं। मैंने एक फ़ोटो ऐसा कैप्चर किया था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाला फ़ोटो अगर देखोगे तो ये वाला फ़ोटो में फ्रंट एरिया, फ्रंट पार्ट काफ़ी अच्छे से एक्सपोज है, लेकिन स्काई देख सकते हो एकदम ही ओवर एक्सपोज है। आप में से बहुत सारे लोग सोच सकते हो कि हो सकता है कि स्काई ऐसा ही था, लेकिन स्काई ऐसा नहीं है। एक दूसरे कैमरे से मैंने फ़ोटो कैप्चर किया है, वहाँ पे स्काई प्रॉपरली दिख रहा है, ब्लू स्काई है, पूरा ब्लू तो नहीं है लेकिन ब्लूइश टिंट है स्काई का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा ही वॉश आउट हो गया है जैसे देख सकते हो। बाकी ओवरऑल फ़ोटो में शार्पनेस देख सकते हो कितना अच्छा है, फ़ोटो में डिटेलिंग कितना अच्छा है, ओवरऑल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर होता है। कुछ और फोटो सैंपल्स हैं, मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। एट मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड कैमरे से एकदम क्लोज जाके मैक्रो फोटोग्राफी कर सकते हो, और क्योंकि यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा है तो फोटो में डिटेल भी काफ़ी अच्छे रहता है, नॉर्मली दूसरे 2 मेगापिक्सल वाले से तो काफ़ी बेटर है, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे और थोड़ा सा क्लोज जाके फोटो होता तो और बेटर रहता, बहुत ज़्यादा कुछ क्लोज नहीं हो रहा है जैसे कि देख सकते हो। बाकी ओवरऑल फोटो क्वालिटी अच्छा लगा मुझे। और एक मैक्रो फोटो है देख सकते हो, बहुत कुछ पास जाके फोटो कैप्चर नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर है तो 50 मेगापिक्सल मोड में भी फोटो कैप्चर कर सकते हो, हालांकि यहाँ पे HDR थोड़ा सा सेक्रीफाइस होता है, तो देख सकते हो यहाँ पे जो डायनेमिक रेंज है बहुत कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत डार्क फोटो लग रहा है, लेकिन फ़ोटो में डिटेल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, देख सकते हो फोटो जूम करने के बाद भी यहाँ पे क्लियरली डिटेल्स दिख पा रहे हैं, लेकिन देख सकते हो शेडो एरियाज जो है बहुत ज़्यादा क्रश हो गए हैं, जिसकी वजह से शेडोज़ में डिटेल बहुत ही कम हो गए हैं, लेकिन रेजोल्यूशन ओवरऑल बढ़ जा रहा है। और एक और 50 मेगापिक्सल वाला फ़ोटो है, यहाँ पे भी देख सकते हो डिटेल्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, हालांकि फ़ोटो में HDR काम नहीं करता है तो हाईलाइट और शेडोज़ में उतना ज़्यादा डिटेलिंग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल फ़ोटो 50 मेगापिक्सल का होने के कारण काफ़ी अच्छा डिटेल के साथ आता है। ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करें तो देख सकते हो ह्यूमन सब्जेक्ट का फ़ोटो काफ़ी नेचुरल आता है, कोई ब्यूटिफिकेशन अप्लाई नहीं होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ लोगों को फ़ोटो उतना पसंद नहीं आया है, लेकिन जो लोग नेचुरल फ़ोटो कैप्चर करना पसंद करते हैं उनको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि देख सकते हो कलर टोन, स्किन कलर, साथ ही में ओवरऑल फ़ोटो काफ़ी नेचुरल आया है, ब्यूटिफिकेशन एकदम भी नहीं है, जिसकी वजह से फ़ोटो काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में मैंने फ़ोटो कैप्चर किया है, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड में बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं था, और देख सकते हो पीछे से लाइट आ रहा है, तो यहाँ पे जो फेस और बैकग्राउंड का डिटेल्स इनको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, फिर भी देख सकते हो काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है, हालांकि यहाँ पे देख सकते हो सर के पीछे थोड़ा सा एरिया ओवर एक्सपोज हो गया है, लेकिन बाकी ओवरऑल स्काई को और बैकग्राउंड को अच्छे से मैनेज किया है, डिटेलिंग देख सकते हो काफ़ी अच्छे है और एकदम नेचुरल कलर्स यहाँ पे उभर के आए हैं। एक और फोटो है देख सकते हो, यहाँ पे फोटो में कलर और ओवरऑल जो सराउंडिंग कलर है वो भी काफ़ी नेचुरल सा है, ब्यूटिफिकेशन एकदम भी अप्लाई नहीं होता है। पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो, लेकिन पोर्ट्रेट मोड मुझे बहुत पसंद तो नहीं आया, यहाँ पे एक बार फोटो कैप्चर करने के बाद बैकग्राउंड ब्लर को मैनुअली चेंज नहीं कर सकते हैं बाद में, तो पहले ही बैकग्राउंड ब्लर को मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है जैसा आपको चाहिए, और देख सकते हो एज डिटेक्शन ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे एज डिटेक्शन उतना भी खास नहीं लग रहा है, और बैकग्राउंड जो ब्लर है वो भी कुछ नेचुरल नहीं है, थोड़ा सा अननेचुरल साइड में मुझे लग रहा है। एक और पोर्ट्रेट फोटो है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो एज डिटेक्शन बहुत कुछ खास नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे एज डिटेक्शन मिस कर गया है, लेकिन फ़ोटो ठीक ठाक लग रहा है, और बैकग्राउंड ब्लर जो है थोड़ा सा अननेचुरल साइड में यहाँ पे मुझे लग रहा है। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे डेडिकेटेड नाइट मोड मिलता है, तो नाइट मोड में फ़ोटो क्वालिटी देख सकते हो कैसा है, अच्छे डिटेल के साथ आता है, 2 माइक्रोन का अल्ट्रा पिक्सल होने के कारण लो लाइट में थोड़ा बेटर क्वालिटी फ़ोटो यहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वाला फ़ोटो देख सकते हो एकदम ही डार्क में था, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिटेल्स यहाँ पे निकाल कर लाया है,
फोटो के अंदर में। देख सकते हो ये वाला फोटो भी काफ़ी अच्छा आया है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, क्योंकि OIS नहीं है तो लो लाइट में स्लो शटर होने के कारण देख सकते हो फोटो थोड़ा सा हैंड शेक के कारण ब्लरी हो गया है। बाकी ओवरऑल फोटो देखने में आई प्लीजिंग लगता है, कुछ ख़राब यहाँ पे नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया, जब भी कोई लाइट के सामने आता है तो फ्लेयर बहुत करता है यहाँ पे। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी फ्लेयर कंट्रोल नहीं होता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है और फोटो क्वालिटी आप लोग खुद ही देख सकते हो। ब्यूटीफाई इफेक्ट इनेबल नहीं करके मैंने फोटो कैप्चर किया है, तो ओवरऑल फोटो क्वालिटी कैसा मिलेगा देख सकते हो। ये वाला फोटो पोर्ट्रेट मोड में है तो देख सकते हो एज डिटेक्शन कैसा है। कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा सा मिस कर गया है यहाँ पे एज डिटेक्शन के कारण, तो बहुत ज़्यादा कुछ खास एज डिटेक्शन यहाँ पे नहीं है, ना ही फ्रंट का ना ही बैक का। फ्रंट का फोटो है विदाउट पोर्ट्रेट मोड जो कि अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर पोर्ट्रेट मोड के साथ कैप्चर करोगे तो देख सकते हो एज डिटेक्शन जो है उतना कुछ खास नहीं निकल कर आया है। देख सकते हो यहाँ पे एज कहीं कहीं पे मिस कर गया है, यहाँ पे भी देख सकते हो एज डिटेक्शन में थोड़ा सा मार खा गया है, बाकी ओवरऑल फोटो ठीक ठाक सा लगा मुझे। दोस्तों ये जो वीडियो देख पा रहे हो, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मोटो G73 के फ्रंट कैमरे से। मैक्सिमम 1080p का वीडियो रेजोल्यूशन मिलेगा फ्रंट में से, और यहाँ पे जो ऑडियो है, ऑडियो भी इसके इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, तो ऑडियो कैसा है वो भी आप लोग देख सकते हो। साथ ही में अभी मैं वॉक कर रहा हूँ फोन को हाथ में लेकर, तो वॉक करने से यहाँ पे कैसा स्टेबिलिटी मिलता है वो भी चेकआउट कर सकते हो, और ओवरऑल देख सकते हो कैसा है वीडियो क्वालिटी। तो भाइयों अभी जो ये वीडियो देख पा रहे हो, ये वीडियो मैं रेयर कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और नॉर्मल कैमरा नहीं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑटो फोकस का सपोर्ट मिलता है, तो ऑटो फोकस बहुत लोग यूज़ करके वीडियो रिकॉर्ड करने की सोच सकते हैं व्लॉगिंग के लिए। तो यहाँ पे कैसा रिजल्ट मिल रहा है मुझे अभी भी पता नहीं है। ऑडियो भी डायरेक्टली इसके इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है तो ऑडियो का भी अंदाज़ा हो जाएगा। वीडियो अभी मैं चेक करके बाद में बता पाऊंगा कि कैसा वीडियो क्वालिटी है, लेकिन अभी मुझे नहीं दिख रहा है वीडियो क्वालिटी कैसा है, क्योंकि मैं रेयर कैमरे से यहाँ पर देख रहा हूँ, और कितना फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा है, कैसा वीडियो क्वालिटी है, ऑटो फोकस कैसा काम कर रहा है वो आप सभी देख सकते हो यहाँ पे। और साथ ही में अभी तो मैं वॉक कर रहा हूँ, तो वॉक करने पे स्टेबिलिटी कैसा मिलेगा वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों मोटो G73 का फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आप लोगों ने देखा। ओवरऑल फोटो और वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करें तो नॉर्मल जो फोटोज़ है, डेलाइट वाले फोटोज़, वो काफ़ी अच्छे आते हैं, 50 मेगापिक्सल में डिटेल्ड फोटोज़ भी कैप्चर कर सकते हो, लेकिन पोर्ट्रेट मोड मुझे कुछ उतना खास नहीं लगा। और वीडियो के बारे में बात करें तो 1080p मैक्सिमम रेजोल्यूशन का वीडियो कैप्चर कर सकते हो, 4K नहीं कैप्चर कर सकते हो, जो कि बबल है। इस रेंज में एटलीस्ट 4K होता तो और बेटर हो सकता था, और वीडियो में स्टेबिलाइजेशन काफ़ी अच्छा है जैसे कि देखा आप लोगों ने। साथ ही में फ्रंट कैमरे के वीडियो क्वालिटी भी देख सकते हो, मैक्सिमम 1080p तक कर सकते हो, तो वहाँ पे भी स्टेबिलाइजेशन ठीक ठाक है। लो लाइट में काफ़ी अच्छा फोटो कैप्चर होता है, सेल्फी भी बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन डिसेंट सेल्फी फोटोज़ आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा। और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी वर्सटाइल कैमरा है, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे फोटोज़ कैप्चर हो सकता है। हालाँकि जो काम है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे का, वो अपना काम तो ठीक से कर रहा है, लेकिन एज डिटेक्शन और मैक्रो फोटोग्राफी में मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। तो ये था मेरा ओपिनियन। और ओवरऑल ऑलराउंडर एक फ़ोन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये फ़ोन आप लोगों को एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन्स में इस रेंज में आप लोगों को अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को नहीं मिलता है, तो वहाँ पर ये कैमरा वाकई में शाइन करता है, और आप लोग एज ए ऑलराउंडर फोटोग्राफी कैमरा कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है ये आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही में और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और आप लोगों का दिन शुभ हो।